यूं तो गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हमारा देश 1947 में आजाद हुआ, लेकिन रीवा की जनता 2 साल पहले ही गुलामी से आजाद हो गई थी। रीवा रियासत में सन 1945 में एक राजनीतिक और ऐतिहासिक घटना घटी जो इतिहास के सुर्ख पन्नों में दर्ज हुई। तारीख थी 16 अक्टूबर 1945, मौका था दसराहा का राज दरबार, स्थान किला परिसर। रीवा रियासत के तत्कालीन महाराज गुलाब सिंह ने उत्तरदायित्वपूर्ण शासन की घोषणा करते हुए राज्य का अधिकार जनता को सौंप दिया। यह भाषण रीवा राज्य के ऐतिहासिक भाषणों में से एक है। महाराज गुलाब सिंह ने रीवा राज्य की 18 लाख जनता को साक्षी मानते हुए यह ऐतिहासिक घोषणा की थी। यह भाषण उस प्रजा के सामने था जो उन्हें अन्नदाता मानती थी। महाराज ने रीवा की सत्ता रिमहन के द्वारा और रिमहन की खातिर जन्मसिद्ध अधिकार मानते हुए सौंपा। महाराज गुलाब सिंह ने अपने इस भाषण में कई महत्वपूर्ण और जनता की हितैषी बातें कही थी। कुछ इस तरह था महाराज का भाषण। हमारी प्रिय प्रजा, महासमर में एकात्म शासन पद्धति की हामी, धुरी राष्ट्र ताकत की प्रजा सत्तात्मक शासन की हामी, संयुक्त राष्ट्र ताकत धूल चटा दी। हम अरसे पहले से ही रीवा की जनता को उत्तरदायित्वपूर्ण शासन की घोषणा करना चाहता हूँ। हमें विश्वास है कि रीवा की उन्नति उसमें ही सन्निहित है। ये घोषणा हम अपने उत्तराधिकारी के विवाह में करना चाहते थे, पर मेरे भाग में ये नहीं लिखा था। हमें रीवा के बाहर रहकर जीवन जीना पड़ा। हम अपने उत्तराधिकारी का विवाह समारोह नहीं मना पाए। हमारे निर्वसन काल में रीवा वाले और दूसरी जगह के लोग जो हमसे मिलने आए, उन्हें यह बताना था कि रीवा लौटते ही प्रजा सत्तात्मक शासन की घोषणा करूंगा। पर जब रीवा लौट कर आया तो युद्ध ने जोर पकड़ा था। हमारी रियासत के साथ ही पूरे देश में युद्ध लड़ा जा रहा था। ऐसे में हम संविधान की घोषणा करना उचित नहीं समझे, बल्कि उपयुक्त समय का इंतजार कर रहा था। महाराज ने कहा, हमारा अटल विश्वास है कि रीवा की प्रजा उत्तरदायित्वपूर्ण शासन का निर्वहन करने के लिए पूरी तरह से सक्षम है। 18 लाख जनता को साक्षी मानते हुए उत्तरदायित्वपूर्ण शासन की घोषणा कर दी। इसके साथ ही गुलामी का अंत हुआ और प्रजा स्वतंत्र हो गई।